ये रे केच मेमोरियल स्कूल अपन देख सकते हो सुनवा रही है, और देख सकते हो अभी सी टेट के जो एग्ज़ाम दिलाए बार है कितना भीड़ है भाई पूरा भाई देखो। जबकि एक तो मौसम भी ख़राब है, और जय राम जय जवाहर सुनवारी हो। आज रविवार है और मोर बहनी के सी टेट के एग्ज़ाम तो हमन जाते हैं, लेकिन मौसम बड़ा बेईमान है, पानी वानी घलो गिरे थे तो रिंग कोट पहने पूरा देख सकते हो पूरा। ये मोर बहनी है रे, और मौसम देखो कितना सुहाना भी है बहुत अच्छा भी है, लेकिन एग्जाम दिलाए बर जाना ही है। मिलते ना मतलब एग्जाम सेंटर में। फैक्ट्री के कारण से एक रोड तो पूरा खराब रहे थे, तो मतलब दूसरा साइड से जाना पड़ता है। देखो अब सीधा हम ना बाईपास रोड में आ गए हम, जो नागपुर कोलकाता हाईवे रोड है, और यहाँ से हम चलो भिलाई की ओर। मौसम कितना अच्छा है, कितना अच्छा लगा था मौसम सुहाना, और बारिश भी हल्का हल्का होती है, और हम एग्ज़ाम के लिए जाते ही है। शिवनाथ टोल प्लाजा दुर्ग, अब यहाँ से हमारा नेहरू नगर होते हुए नेहरू नगर चौक, नेहरू नगर चौक से हमारा फिर सीधा चलता आगे। एच ग्रुप ऑफ स्कूल्स के एच मेमोरियल स्कूल जो कि जवाहर नगर सुपेला में है, और यहाँ पे अच्छा खासा भीड़ है, देख सकते हो तो गाड़ी कितना ही ज़्यादा है। और अब मतलब और दिखाओ अभी पूरा मरेली कितना भीड़ है। वेलकम टू यू, अभी गेट बंद है, जैसे गेट चालू हुई सब जन फिर अंदर जाने स्टार्ट कर, यहाँ पे रोल नंबर वगैरह भी अब सब देखा जावत है, और बहुत ही भीड़ है भाई। ए साइड भी देखो, ए साइड भी देखो, पार्किंग वगैरह की व्यवस्था नहीं है, देख सकते हो कितना है। चलो आप अगर स्कूल के अंदर जान दी तो अपन स्कूल के अंदर जाके भी दिखाऊँ, लेकिन अभी ये गेट वगैरह भी बंद है, अभी ये खड़े हैं और बहनी गेट के अंदर जाते हैं। देख सकते हो कि सब काम दिलाई के बाद अब यहाँ पे चालू हो गए है गेट अंदर जाना, और खर बाद यहाँ पे मन के आधार कार्ड वेरीफाई होते हैं फिर मन जाते हैं अंदर ही। और ये देख सकते हो कि पूरा दूर पे है जो कि हम मतलब अंदर जान नहीं देते, जो एग्ज़ाम है वही मन जाते बस। ये जो स्कूल है के एच मेमोरियल स्कूल, देख सकते हो यहाँ से कितना चलते, और जो आधार वेरी होने के बाद देखो सब स्टूडेंट भी है, तो ये है और ये यहाँ के गार्ड भी है। लड़की मन के जाए के जो दरवाज़ा ये है, और लड़का मन के लिए यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे अभी बहुत सारे पर रोल नंबर वगैरह भी देखे थे, और अभी तक आना जाने का भी मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब रही से ऊपर कारण से साढ़े नौ हो गए, और यहाँ पे गेट वगैरह बंद कर दे जो भी वेरीफाई से साढ़े नौ बजे तक रही से। अब उखर बाद जो भी अब अभी पहुँच सकते तो जा सकते, नहीं तो फिर बंद ही हो गए गेट। तो संगवारी हो अभी होगी 11:55, और यहाँ पे जो पहला पाली के पेपर है वो 12 बजे लास्ट हो जाएगी, तो जितना सब जन अपन अपन प्रछाती ला छोड़ के गेरी से फिर से आगे एक बार तो अपन भीड़ देख सकते हो। और जैसे ही 12 बजे सब के सब प्रछाती यहाँ से बाहर निकल है स्कूल से, उसके बाद जो दूसरा पाली के पेपर है वो है 2 बजे से।
तो संगवारी अभी ये जो पहला पाली के जो पेपर है अभी खत्म हो गए है ना, और मोर साथ एक भी है जो कि काफी दूर से है, तो उन्हीं से जानता ना कि क्या का परेशानी से आए भैया। अरे भैया बहुत बड़ी परेशानी थी। एक तो सुबह जैसे ही हम लोग डोंगरगढ़ से निकलने वाले थे वैसे ही पानी स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट हो तो पानी में ही हम लोग आ रहे थे रेनकोट वगैरह पहन के। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि युगांतर पब्लिक स्कूल के पास पहुंचे थे और हमारी गाड़ी खराब हो गई, और तकलीफ बोले फिर मौसम तो ऊपर से परेशानी और ये भी ज्यादा। आप किस में आए, बस वगैरह का इंतजार करते तो इधर लेट हो जाता। जैसे तैसे एक फ्रेंड को फोन लगाया, अच्छा हुआ ईश्वर की कृपा रही कि वो आ गए एकदम टाइम पे और अपनी गाड़ी वो दिए, मैंने अपनी गाड़ी सुधरवाने के लिए दिया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और बिल्कुल टाइम से पहले हम लोग पहुँच गए। 9:10 हम लोग यहाँ पहुँच गए थे 9:30 से तो एग्जाम शुरू हो गया। तो अपन देख सकते हो संगवारी की कितना परेशानी के साथ भी भैया एग्जाम दिलाए बल लाए है। आप कौन लाना भैया? मोरे हवाई फिलहाल। अच्छा अपन मिसेज ला लाए हवे, तो पहला पाली भी खत्म हो गई, तो सब कैंडिडेट मन भी बाहर निकले थे, पेपर अभी दिखा तो सब जन अपन अपन प्रजाति लेबर खड़े हो गए। गेट बंद है अभी, तो मतलब यहाँ से दिखा सकता हूँ, देख सकते हो दो जन बस आते हैं, बाकी सब आते से जूम करके देख सकते हो, देख सकते हो सब जन परीक्षा दिला के बाहर निकला था भाई। पहला पाली के जो पेपर है वो भी ख़त्म हो गए, देखा पास दूसरा पाली जो है वो 2 से फिर से चालू हुई, देख सकते काफ़ी भीड़ है, बहुत जन पेपर दिलाए हैं, देख लो आप लोग उसमें अंदर से दिखा रहे हैं, बाहर की नज़ारा बहुत ही भीड़ दी है, जिनमें से लड़की लेडीज़ ज़्यादा ही है, लड़का की जनसंख्या बहुत ही कम रही हवा है एग्जाम में, और देखो काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ हवा है, सुबह तो उतना पता नहीं चला था इससे, अभी टाइम भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, अभी तक के सब निकलते छवे, लेकिन मोर बहनी का तो पता नहीं है कौन डहर रुक गए अभी तक नहीं आया हुआ है। गेट के पीछे भी देखो बहुत भीड़ है, जो एक करके आते हैं सब बाहर, ए देखो मोर बहनी घलो आगे, बापरी है कैसन एग्जाम दिला है अल्दी था थन, ये देखो ये आगे 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 आगे। अच्छा मौसम खराब रही देखकर से थी थोड़े कन परेशानी दिक्कत भी हो है, ये समझ सकता हूँ, तो पेपर कैसे कैसे वाला बताओ भी तुम्हें। तो अच्छा गई से ये रही से वो पेपर देख सकते हो, संस्कृत के रही सब है, संस्कृत मतलब सभी भाषा के रही सब है, तो हमें संस्कृत मतलब अच्छा लगे, सरल हिंदी इस टाइप के बताते, लेकिन एक मन के कहना भी ये रही सब है कि पहले वाला जो तो पेपर इसे ओखर से थोड़ा से कठिन आ रही से करके, तो फिर मिलसन 2 जब भी मना फिर के पेपर जो है ख़त्म हो गए है, तो अब एक बार 2 है तब मिलसन अब दूसरा पाली में, तब तक के लिए मंदिर राम जी की जैसे 2 वाला है, तो सब प्रशाक्ति फिर अंदर जावत हो, 2 के पाली जो स्टार्ट हुई, तो एक से पहले का होते कि आधार कार्ड वेरीफाई बायोमेट्रिक ये सब चीज़ें लगाना पड़ते, तो खर नाम से थोड़ा से जल्दी अंदर बुलाए जाते स्कूल के, ओखर बाद फिर आगे की प्रक्रिया जो है वो पूरा करे जाते, अभी भी देख सकते हो फिर अब प्रशाक्ति आना चालू हो गया है, फिर सब अंदर चले जाते हैं, ये 4:30 हो गए, तो सब अपन प्रसादी मला लेके बार फिर से अब आ गए, ताकि दूसरा पाली के भी पेपर यहाँ पर समाप्त हो गए, तो अभी तक निकले नहीं है, एक वो झन बता दे कि अगर अभी 4:30 हो गए तो अभी पेपर वगैरह सब जमा करे, सब भीड़ देख सकते हो ले गया कितने छन आए हैं, मतलब पेपर दिलाने वाला तक ले जाने वाला बहुत ज़्यादा ही है भाई, कितना भीड़ है लेके बार सब जहाँ जितना सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं पेपर दिलाए पर, अभी तक तो गेट खुले नहीं है, पर कोई बाहर ही नहीं है, तो भाई निकलना चालू हो गए सब जन, और बहुत भीड़ है भाई अभी देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा, सब आते जाते हैं, देख सकते हो संगवारी हो मोरे बहनी घलो आगे एग्जाम दिला के, तो अब हमन भी अपन घर निकलबो, सब जन भी अपन अपन घर जाओ थे, देख सकते हो सब तैयार हो चुके हैं, और यहाँ भैया भी एकदम तैयार हो गए हैं जाए पर, देखो ये भी भैया रिश्ते होकर यहाँ के भी आ गए एग्जाम दिलाए पर, तो संगवारी मोर बहनी भी पेपर दिला के आ गए, तो हमन भी अब घर निकलबो, तो वीडियो ले यहीं पर समाप्त करते हैं, और मोर वीडियो ला लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और संगे संग सब्सक्राइब घलो करो, मैं दुलार बनाए रखूँ, जय राम जी की, मिलते हैं एक नया व्लॉग में।